भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला जा रहा हैदराबाद टेस्ट काफी ज्यादा रोमांचक हो गया है। जी हां, आपको बता दें कि वेस्ट इंडीज ने पहले तो पहली पारी में 311 रन बनाए, जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के एक समय 162 रनों पर 4 विकेट गिर चुके थे, जिसमें कप्तान विराट कोहली भी अपना विकेट दे चुके थे, जिसके बाद पारी को संभाला अजिंक्य रहाणे और ऋषभ पंत ने। जी आपको बता दें, ऋषभ पंत और अजिंक्य रहाणे ने एक बेहतरीन साझेदारी निभाई और इस साझेदारी के बल पर दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत 308 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना चुका था। अब ट्रायल सिर्फ 3 रनों का बचा था। इसके बाद तीसरे दिन की शुरुआत में ही अजिंक्य रहाणे की विकेट वेस्ट इंडीज को मिली, जिसके बाद ऋषभ पंत पर सारा दारोमदार आ गया। हालांकि ऋषभ पंत एक बार फिर अपने शतक से चूक गए और 92 रन बनाकर आउट हो गए। बता दें आपको कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले राजकोट टेस्ट में भी ऋषभ पंत ने 92 रनों की पारी खेली थी और अब हैदराबाद में भी 92 रन बनाकर ऋषभ पंत पवेलियन की ओर लौट गए। बड़ी बात यह है कि यहां पर ऋषभ पंत के अलावा बाकी खिलाड़ियों से जो उम्मीद की गई थी, रविचंद्रन अश्विन ने 30 रन बनाए और यहां पर 367 रनों पर टीम जो है वो बुक हो गई, यानी कि अब भारत के पास 56 रनों का की लीड है और अब वेस्ट इंडीज की टीम को यहां पर लीड को कवर करके भारतीय टीम को एक बड़ा टारगेट देना है, ताकि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को हार जाए। लेकिन भारतीय टीम के पास एडवांटेज है और भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को पूरी तरह से जीत सकती है, यानी कुल मिलाकर 80-20 का कॉम्बिनेशन भारत के फेवर में आ रहा है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।